लेकिन बेहतर है अगर छोटी फैमिली है, जैसे गरीब फैमिली है, तो उसमें 12 वोल्ट का सिस्टम लगाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। एसीडीसी जी पे तकरीबन आपके 6 बन के चल जाएंगे एसीडीसी वाले। पहले के जो पैनल 70 से 75 हज़ार रुपये का था, आज वो 20 से 21 हज़ार रुपये का है। 3 kV है, 5 kV में फ्रिज भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, और रेट कम होंगे भाई। जी 35 रुपए से भी नीचे चला जाएगा जी, इंशाल्लाह नीचे आएगा। और ये कब तक मतलब आपका 8.5 हज़ार रुपए का पैनल है, 1 kV से 4 पंखे 8 सेवर चला लेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त सदर कराची के इलाके रीगल चौक पर, ये सामने एम्प्रेस मार्केट से रास्ता आ रहा है, और यहाँ हम आए हैं सोलर की मार्केट में। क्या क्या वैरायटी बिक रही हैं, कितनी कीमतें गिर चुकी हैं, मज़ीद कितनी गिरने वाली हैं, कब तक कीमतें गिरेंगी, ये सब हम जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो में आखिर तक, और जानिए यहाँ पर क्या कीमतों में फ़र्क आ रहा है, और अब कितने का सिस्टम लगेगा 1 kVA का, AC DC कितने का पड़ेगा, वो सब कुछ जानते हैं हम अपनी इस वीडियो अपडेट में। तो हमारे साथ रहे हैं वीडियो में आखिर तक, तो आइए देखते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। दुकान का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सदर रीगल चौक, शफी कबाब वाले के बराबर में, और नंबर है 0334-315-2255। अलग अलग है, अभी डाउन हुई है। तकरीबन समझ लें कि जो पैनल 70 से 75 हज़ार रुपये का था, आज वो 20 से 21 हज़ार रुपये का है। माल है अपने पास, न्यू वर्जन है, माल भी है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह, लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। नहीं नहीं, फ्लेक्सिबल तो अभी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। जी जी, तकरीबन 1 kVA से लेके 50-100 kW है, 1 kVA लगभग कोई 1 लाख रुपये तक लग जाता है। पर वोट फिलहाल तकरीबन 35-36 रुपए चल रहा है, मगर इसके रोज के रेट होते हैं, रोज अलग अलग रेट है। सोने की तरह मतलब का रेट अब फिलहाल इस तरह 1 kVA से 4 पंखे 8 सेवर चला लेंगे आप, 2 kVA से तकरीबन 8 पंखे कोई 20 सेवर के करीब चला लेंगे आप। फिर इससे बढ़ाते चले जाएं, kV बढ़ता चला जाएगा, लोड बढ़ता चला जाएगा। फ्रिज AC के लिए भी होता है, 3 kVA 5 kVA में फ्रिज भी चलते हैं, AC भी चलते हैं, बाकी पंखे लाइटें इस्त्री पानी की मोटर वगैरह सब चलता है। ये 180 वाट का होता है, और इनोवा कंपनी का है, MG कंपनी का है, सोलर सेल के नाम से इसमें आता है। तकरीबन इसमें AC DC फैन जो होते हैं खुर्शीद कंपनी के, दो चल जाते हैं, एक सोलर पैनल। कितने का छोटा ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 हज़ार रुपये का है। 8.5 हज़ार का? जी जी। बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी लगाएंगे तो रात को भी बैकअप मिल जाएगा, बैटरी नहीं लगा रहे दिन को डायरेक्ट चल जाएगा। इस्तेमाल करें जी जी, उसमें एक पैनल चाहिए हमें जी, डायरेक्ट पंखा आपका चल जाएगा, दो पंखे चलेंगे जी जी। कितना खर्चा होगा? तकरीबन कोई 9.5 हज़ार रुपये का एक पंखा आ रहा है खुर्शीद कंपनी का, 8.5 हज़ार रुपये का पैनल है इस वक्त। अगर किसी के पास अपने पंखे मौजूद है तो ये पैनल काफी है, AC DC पंखा हो ये पैनल एक काफी है। जी जी, दो पंखे चलाएगा। बिल्कुल। टोटल कितने? 8.5 हज़ार रुपए का पैनल है, 8.5 हज़ार रुपए में दो पंखे, बाकी तार का खर्चा है 1500-2000 रुपए का। कोई बड़ा वाला 585 वाट में है, फिर तकरीबन आपके 6 पंखे चल जाएंगे AC DC वाले। जी जी, नॉर्मल पंखे वैसे ज्यादातर ये सिस्टम बनाना पड़ता है इसका, जैसे ये एक पैनल है ना, ये हम एक पैनल नहीं लगाते, 4, 6, 8 इस तरह पेयर करके बनाते हैं, तो वाट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से सेट बना के देते हैं। इसमें 4 से 6 पैनल होते हैं, 3 kVA का अगर सिस्टम हो तो, फिर एक इन्वर्टर होता है उसमें, फिर 2 बैटरियां होती हैं, ये पूरा सिस्टम बना के हम जो लगा के देते हैं। अगर हम एक छोटी फैमिली है, ये बीवी 2-3 बच्चे, 1 kVA का एक सिस्टम लगाना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम खर्चा 1 kVA का, उसमें कितनी चीज़ें चलेंगी और कितना खर्चा होगा सिस्टम बनाने? भाई 1 kVA में तकरीबन इन्वर्टर वगैरह अगर लगाएं कोई 90 से 95 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। इसमें पैनल शामिल है, इन्वर्टर है, बैटरी है, जो वायर वगैरह है, बंदे की मजदूरी है, इंस्टॉलेशन वगैरह, एंगल वगैरह सब मिला के। लेकिन बेहतर है अगर छोटी फैमिली है, जैसे गरीब फैमिली है, तो उसमें 12 वोल्ट का सिस्टम लगाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। AC DC जी, 2 पैनल बंदा ले लें, एक छोटी 100 एम्पीयर की बैटरी ले लें, और तकरीबन 2 AC DC फैन इस पर चला लें, वो चल जाएंगे आपके, 2-3 लाइटें 12 वोल्ट लगाएं चले, तकरीबन कोई 70 से 72 हज़ार में कम्प्लीट हो जाएगा फिटिंग इंस्टॉलेशन के साथ। तकरीबन 10 साल की पैनल की वारंटी है। जी जी, ये बिल्कुल 0 मीटर नए पैनल, 0 मीटर नए पैनल, और मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि ये क्वालिटी, ये जो टेक्नोलॉजी है पुरानी है,
या नहीं है इसमें, ये कौन सी टेक्नोलॉजी? ये तो नई में ही चलाती है, मोनो में चलाती है कराची के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कराची में मोनो सब मोनो चलती है। दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी? इसके अलावा पोली आती है कराची से बाहर के लिए, कराची से वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ये टेक्नोलॉजी नई है, लेटेस्ट है। जैसे ये लाइने ये टेक्नोलॉजी और ये बड़े बड़े डब्बे हैं, ये टेक्नोलॉजी तो, मुझे वो नजर आ रहा है जिसमें जो है ना लाइनें भी हैं और डब्बे बड़े भी हैं, क्या ताल्लुक है इसका? ये तो देखिए, छोटे पैनल बड़े पैनल को आप नहीं मिला सकते एक साथ, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये 170 180 वाट का पैनल है, ये छोटा है, इसमें तो मोनो ही मिलेगा आपको ज्यादा ज्यादा। जो बड़े पैनल है उसमें टेक्नोलॉजी अलग अलग, अलग कंपनी है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्जी कंपनी का है, इसमें ये डब्बा आपको दिख रहा है, ये डब्बा जो है करंट दे रहा होता है, ठीक है। अब ये जो इसमें आप आ रहे हैं ये जिनको कंपनी का है, इसमें आपको करंट का जो है ना ये लाइनें आपको नजर आ रही है, ये सेल है सारे, इसको सेल कहा जाता है, ये जो लाइनें है ना ये आपको करंट बना के दे रही होगी। अच्छा, इसी में भी दो आते हैं, इसमें एक पी टाइप आता है एक एन टाइप आता है। ये जो है ये पी टाइप में देख रहे हैं, एन टाइप में थोड़ी लाइनें इससे भी ज्यादा होती है। कीमत में फर्क होता है, 35 से 36 रुपए वो मैंने आपको बताया था जैसे। और इसमें अगर एन टाइप में चले जाते हैं, एन टाइप में भी दो कैटेगरियां हैं, बायोफेशियल भी है और सादा भी आता है। इसमें सादे में अगर लेंगे तकरीबन कोई 39 रुपए पर वाट चल रहा है, अगर बाय फेशियल लेते हैं वो तकरीबन कोई 40 या 41 के हिसाब से चल रहा है इस वक्त। जी जी, बिजली भी बन जाती है, जी ऐसा ही है, नेट मीटरिंग हो जाती है। कैसे कन्वर्ट करता है? ऑटो रिवर्स होता है ना, उसका मीटर अलग से होता है, अलग मीटर लगाया जाता है, ऑटो रिवर्स कर रहा होता है। आपने बताया कि 1 केवी का सिस्टम जो है आप कह रहे हैं 80-85 हज़ार 90 हज़ार में पंच पड़ जाएगा। जी जी, एसी वाला? जी जी, एसी वाला। जी जी, एसी पड़ेगा 70,000 रुपए तक, 70,000 में सारी चीज आ जाएंगी। अच्छा, ये वाला अगर हम लगाएं 3 KVA पे, ये कितने का पड़ेगा? 3 KVA लगभग कोई 3.5-3.75 लाख रुपए का लग जाता है। इसमें क्या क्या चीजें चलेंगी? तकरीबन आपका एक एसी चल जाएगा, एक फ्रिज चल जाएगा, बाकी पंखे लाइटें वगैरह हैं। बैटरी भी होगी? दो बैटरियाँ होंगी। दो बैटरी कितने एम्पीयर की होंगी? ट्यूबलर बैटरियाँ लगाते हैं हम ज्यादातर, इसमें अलग अलग एम्पीयर की अलग अलग कॉस्ट में फर्क आ जाएगा आपका। एम्पीयर बढ़ाएंगे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एम्पीयर कम करेंगे कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। कितने घंटे का बैकअप देगा? तकरीबन 4-5 घंटे चल जाता है, 4-5 घंटे मिनिमम। अच्छा, ये सूरज से जो रोशनी बननी बंद हो जाती है उसका टाइम क्या है? सुबह तकरीबन 9 बजे से ये स्टार्ट होता है काम करना, तकरीबन कोई 6 बजे तक लगभग काम कर रहा है, 6 बजे के बाद बैकअप चलेगा। जी जी। ये बताएं कि जैसे नहीं यूपीएस की बैटरी मिसाल के तौर पे मैंने घर पे लगाया हुआ है, उसके ऊपर 175 की जो है ना बैटरी लगती है, मैं अगर 200 या 300 वाली लगाऊं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसमें भी ऐसा कुछ चक्कर है? नहीं, इसमें इस तरह नहीं, इसमें आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। आप जैसे 3 KVA आप लगा रहे हैं, 3 KVA में नॉर्मल हम ज्यादातर बैटरी लगा रहे हैं 185 एम्पीयर की, मगर इसकी बैटरी कोई आम खास नहीं होती, तकरीबन समझ लें इसके हिसाब से बनी, तकरीबन उससे मिलती जुलती तो होती है, तो पानी वाली, मगर वो ट्यूबलर बैटरी होती है, उसके सेल वगैरह हैवी होते हैं, तो वो सोलर में हम लगाते हैं। 185 है, जैसे आप मुझे कहते हैं कि यार मुझे बैकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे एम्पीयर बढ़ा दो, मैं एम्पीयर बढ़ा के भी इसमें लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। 3 KVA में आप एम्पीयर बढ़ा सकते हैं, 230-240 एम्पीयर पे जा सकते हैं। तो बैटरी पर बैटरी है, बैटरी पे आने के बाद जब धूप आती है तो दोबारा बैटरी को चार्ज कर देता है, दोबारा बैटरी को चार्ज कर देता है, ऐसा ही है। कितना टाइम लेता है चार्ज? यार चार्ज तो जल्दी हो जाती है क्योंकि इसका करंट हाई होता है, तकरीबन घंटे दो में बैटरी फुल कर दिखाएगा। तकरीबन 12 ट्यूबलर जो हम लगा रहे हैं 2.5-3 साल चल जाती है। इसके अलावा कोई पैनल भी आपके पास, कोई और तकरीबन वैरायटी तो ये आपके सामने है, बाकी और माल आने का है, कुछ बिक चुका है। इस तरह में ये आ रहा है कि माल पोर्ट पे मौजूद है, मजीद आ रहा है, तो कीमतें मजीद गिरेंगी और रेट कम होंगे, 35 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। जी इंशाल्लाह नीचे आएगा। और ये कब तक मुताबिक तकरीबन समझ लें 10-10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 10-10 दिन में और कीमत गिरने वाली गिरेगी इंशाल्लाह। तो आप दिखाए ना वो कौन सी बैटरियां हैं और क्या चीजें भाई? ये जैसे ये 1800 है ना, सही है, ये 1800, ये 185 एम्पेयर की है, सही है, ये 55,000 रुपये की हैं, और वो दूसरी जो है वो 2500 है, 230 एम्पेयर की है, वो है 67,000। 3500 है, ये 230 एम्पेयर की है, 280 एम्पेयर की है, ये है, हाँ, 85,000। ये देख लें इन्वर्टर, ये रखे हुए इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, ये 1 KVA है, इसमें 1 KVA भी है, 2 KVA भी है, फिर LS में 1 KVA है, 2 KVA है, इनकी वारंटी वगैरह क्या है? तकरीबन 1 साल वारंटी है, किसी की 2 साल है। कम से कम स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग कम से कम ले लें आप 1 KVA में अगर जाते हैं कोई 20,000 के करीब, 20,000 का। जी जी, 2 KVA में जाते हैं तकरीबन कोई 28,000, फिर इससे ऊपर है 30,000-32,000, अलग अलग है। और इसकी वारंटी 1 साल की? 1 साल की वारंटी है। इसमें कोई खराबी होगी तो आप इसको रिप्लेस करेंगे? हम रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग वारंटी होती है। अंदाजन कितने अर्से चल जाते हैं? चल जाते हैं अच्छा खासा टाइम है, कंपनी के हिसाब से भी है ना। अब जैसे एनवरेक्स का ब्रांड है, ये अच्छी चीज है, ब्रांडेड है, उसकी वारंटी भी 2 साल की है, और चलने को ये 4-5 साल भी चल जाता है। अच्छा, ये सोलर पैनल सिस्टम जो आप बता रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है, कितने अर्से की? 1 साल की वारंटी इन्वर्टर की होती है, जो आपने एसी वाला पूछा, जो बिजली वाले जो पंखे होते हैं, 6 महीने बैटरी की वारंटी होती है, तकरीबन 10 साल पैनल की वारंटी होती है।
तीन के वी के जो ना इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बाकी पैनल की 10 साल की वारंटी है, बाकी बैटरी की 1 साल वारंटी है। 12 वोल्ट का सिस्टम सबसे बेस्ट है भाई जान, सस्ता भी है और लॉन्ग लाइफ भी है, बैटरी भी आपके पास 2-2.5 साल चलेगी और बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा और कॉस्ट में भी आपका सस्ता है अच्छा खासा। कोई अपना फोन नंबर वगैरह बता दें जी। अमजद खान नाम है, 0334-315-2255। इस नंबर पे कितने बजे से कितने बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं आप? 12 घंटे कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 घंटे। अच्छा, सेल्स के बाद सर्विस सहूलत जी जी बिल्कुल, इंस्टॉलेशन सारी आप करते हैं? जी जी बिल्कुल, बंदे होते हैं। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है? अलग अलग है ना, 1 KV का है जैसे 4-5 हज़ार में इंस्टॉलेशन हो जाती है, 3 KV है तकरीबन 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार। तकरीबन 1 दिन का ही काम है ये, 1 दिन में सारा काम, 1 दिन का ही काम। जी व्यूअर्स, तो ये था सेंट्रल रेडियो स्टोर मेन बिगल चौरंगी पर, और यहाँ पे तमाम पैनल्स के हमने आपको रेट्स बताए, 1 KV से लेके 3 KV तक के सिस्टम जो एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है वो भी हमने आपको दिखाया, उनकी प्राइस बताई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें, अस्सलामुअलैकुम, पी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।